हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम आपको एक प्लान दिखाने जा रहे हैं जो कि 30 फीट चौड़ा है और 50 फीट लंबा है। ठीक है, एक बार आप बड़े में इसको देख सकते हैं। यहाँ पे डबल कार पार्किंग आप कर सकते हैं। ठीक है, तो उस टाइप से ये पूरा प्लान बना हुआ है रेजिडेंशियल बिल्डिंग का। इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं हम और ये प्लान आप देख सकते हैं। इसका PDF भी हम दे देंगे। ठीक है, अब चलिए इसको फुल बड़ा करके स्टेप बाय स्टेप ऊपर से नीचे तक देखते हैं ये प्लान है कैसा। ठीक, तो ऊपर आते हैं हम, तो आप देख सकते हैं ये तीन पार्ट में बटा हुआ है। 10 फीट 2 इंची, 10 फीट 5 इंची और 10 फीट 2 इंची में। ठीक है, अब हुआ ये बेडरूम ये जो है 9 फीट 10.5 इंच बाई 12 फीट 8.5 इंची का है ये बेडरूम। ठीक है, यहाँ में अपना बेड रख सकते हैं, यहाँ पे TV लगा सकते हैं, यहाँ पे अपना कवर्ड रख सकते हैं। ठीक है, इसके बगल में फैमिली लॉन्ज है, लॉबी, डाइनिंग एरिया, ड्राइंग रूम। ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है 9 फीट 9.7 फीट बाई 19 फीट 3 इंची का है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे अपना सोफ़ा रख सकते हैं दो साइड, यहाँ पे अपना डाइनिंग टेबल रख सकते हैं। ठीक है, और इसके जस्ट बगल में 9 फीट 10.5 इंच बाई 12 फीट 9 इंची का एक और बेडरूम है, जिसमें सेम वही तरीके से अपना बेड एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ भी अपना एक डाइनिंग टेबल बड़ा सा रख सकते हैं, क्योंकि किचन जस्ट इसके सामने है और इजली अपना डाइनिंग टेबल भी यहाँ पर सही रहेगा। ठीक है, ये मॉड्यूलर किचन है, बड़ा सा 9 फीट 10.5 इंच बाई 5 फीट 9.5 इंची का। ठीक है, यहाँ पे अपना वाश बेसिन लगा सकते हैं, यहाँ पे अपना चूल्हा रख सकते हैं गैस के लिए। ठीक है, और इसके जस्ट सामने ये है टॉयलेट जो कि अटैच्ड है बेडरूम 2 के, जिसकी साइज है 9 फीट 10 इंच। ठीक है, 9 फीट 10.5 इंच बाई 4 फीट 4 इंची का। ठीक है, तो ये टॉयलेट है बड़ा सा। इसमें जो डोर लगेगा वो लगेगा D3, इसमें लगेगा D1 और इसमें भी लगेगा D1 और किचन में भी लगेगा D2। ठीक है, ये जो आपका बना हुआ है ये यूरिनल है। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा और आगे आए तो ये है टॉयलेट 9 फीट 10.5 इंच बाई 5 फीट 6.5 इंच का। ठीक है, और यहाँ से आप ये जो सीढ़ी का रास्ता है इसमें आ सकते हैं और यहाँ से आप अप होंगे। ठीक है, ये हो गया और आप देख सकते हैं अच्छा खासा रूम है। यहाँ से आप एंट्री पोर्शन बना सकते हैं। ठीक, यहाँ से अपना एंट्री ले सकते हैं और ये आपको बड़ा सा पार्किंग मिल जाएगा इस साइड में। ठीक है, 9 फीट विड्थ का गेट एक ये है और 9 फीट विड्थ गेट का एक गेट ये है। ठीक है, 2 से 3 ग्रिड, सब में ग्रिड भी शो हुआ है। यहाँ पे एक विंडो लगा सकते हैं W1 का और एक बेडरूम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, इसके लिए भी अटैच्ड टॉयलेट है और अटैच्ड किचन है, जो कि साइज है 7 फीट 11 इंच बाई 4 फीट 5 इंची का और टॉयलेट है 6 फीट 6.5 इंच बाई 4 फीट 5 इंच का। ठीक है, तो ओवरऑल सब कुछ शानदार है। अगर इसमें एक फ़ायदा और है, अगर यहाँ पे आप गेट ना भी दें तब भी अंदर वाले हिस्से में ये वाला तो सब कुछ काम हो जाएगा, इस बेडरूम का काम यहाँ तक ख़त्म हो जाएगा। ठीक, और ये पार्किंग हो गया, यहाँ से अगर पैक भी हो जाता है तो यहाँ पे क्लियर स्पेस छूटा हुआ है। ठीक है, ये सब यहाँ पे ये छूटा हुआ है क्लियर स्पेस, तो इस रास्ते से आदमी जाके अपना यहाँ से टर्न लेके और यहाँ पे ये देख लीजिए कितना चौड़ा छूटा हुआ है। ये 3 फीट 6 इंची का छूटा है, तो यहाँ से अपना एंट्री ले सकता है। यहाँ पे डोर दिया हुआ है। ठीक है,
तो इस तरह से इसमें एंट्री ले सकता है इस दरवाजे से। तो इस प्लान को हम पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपको दे देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हमें करना जो होगा, इसे थोड़ा छोटा और पैन कमांड से इसको थोड़ा यहाँ पे एडजस्ट कर लेना होगा, और भी छोटा इसे कर लेते हैं, और इसको हम करते हैं कंट्रोल पी, ठीक। तो यहाँ से कर लेते हैं DWG to PDF, और इस पेज को हम कर लेते हैं चेंज, ठीक। और यहाँ से हम कर लेते हैं विंडो, और इस पूरे सेक्शन को कर लेते हैं सेलेक्ट, और फिर छोड़ देते हैं, ठीक। अब लैंडस्केप इसे करके करते हैं प्रीव्यू, प्रीव्यू में सब कुछ आ गया, ठीक। यहाँ से क्लोज करते हैं और कर देते हैं ओके, और डेस्कटॉप पे जाके इसे कर देंगे सेव।